हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एक और पोस्ट मार्केट अपडेट में। आप लोगों का स्वागत है। तो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाले, बिकॉज निफ्टी को हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ट ऑफ द वीक वाली वीडियो में। बट मैं आप लोगों को यही इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि वी आर सीइंग मोमेंटम थोड़ा कम होता हुआ ऑटो सेक्टर की साइड में। तो ऑटो सेक्टर में हमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम खो सा रहा है। अर्निंग्स आई हैं, नंबर्स आए हैं, उन पर रिएक्शन हुआ है। अगर आप लेकिन थोड़ा सा लंबे समय के चार्ट देखते हैं तो ठीक लगता है, बट अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे मोमेंटम लूज हो रहा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है इस समय। अगर हम मेटल सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें मोमेंटम अच्छा लग रहा है। मेटल्स के अंदर हो सकता है यहाँ से एक बड़ी रैली बनती हुई दिखे। अभी ये अपने गंदे वाले जोन से बाहर आके उन जोन्स में जाके खड़े हो गए हैं जहाँ से ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगेन कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे वो चार्ट्स के ऊपर आपको दिखेगा, बट जोन्स ऐसे हैं कि आपको नज़र में रखना है इन्हें। FMCG का पैक हमें डिसेंट लगता है। उसके अंदर हमारी टॉप पिक ITC ही रहती है। अगेन नॉट एन इन्वेस्टमेंट और अ ट्रेडिंग रिकमेंडेशन, बट मैंने अभी अपनी टॉप 5 शेयर्स की वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने ITC का डिस्कशन किया ही था। तो ऑटो सेक्टर जो हमारा एक बहुत बड़ी पिक रही थी कुछ टाइम से, वहाँ पे मोमेंटम जो हमें लूज होता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ से हम कैपिटल थोड़ी थोड़ी शिफ्ट कर रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स थोड़े ठीक लग रहे हैं, एग्रोकेमिकल्स पे हमारी नज़र है। और आप लोगों ने कई सारे स्टॉक्स की मेरे से अब कहा है कि अब स्टॉक एनालिसिस वगैरह वापस शुरू करो। तो वहाँ पे भी अब जो नए शेयर्स पे अब हम रिसर्च करेंगे, या एग्जिस्टिंग जो नॉन बिजनेसेस हैं उनके ऊपर रिसर्च करेंगे। तो कुछ कुछ शेयर्स अब हम ऐसे चुनेंगे जो लॉजिस्टिक सेक्टर से होंगे। तो डिलीवरी की मैंने आप लोगों से बात करी, ब्लू डार्ट हो गया, यहाँ पे हमें मोमेंटम बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने देखा है कि कैसे एक साइक्लिकलिटी में चल रहे होते हैं ये शेयर्स, स्टॉक प्राइजेस। इनफैक्ट कंपनीज चाहे साइक्लिकल हो या ना हो, बट स्टॉक प्राइसेस साइक्लिकल बहुत ज़्यादा है अगर आप ब्लू डार्ट का चार्ट खोल के देखें। तो ये सारी चीज़ों पे रिसर्च करेंगे, चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है कुछ ना कुछ। एंड सितंबर से आप लोगों के लिए स्टॉक एनालिसिस वीडियोस वापस आनी शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। बट अभी के लिए आपको फोकस अब कहाँ पे करना है, तो मेटल्स आर लुकिंग गुड, केपेक्स सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मेटल रिलेटेड सेक्टर्स जैसे AI इंजीनियरिंग, जिसकी हमने इस चैनल पर बात करी हुई एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो में, जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है मेटल की बुल रैली का, उसके अंदर आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ी बनी हुई है। कई सारे जो सरकार की कंपनीज हैं जो कमोडिटीज़ के अंदर वर्क करती है, कोल इंडिया हो गई, आज RCF के नंबर्स आए वो सॉलिड थे। IGL आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्रेकआउट देके चल रहा है। तो ये सारी कंपनीज़ पे भी आप नज़र रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट की बहुत कंपनीज़ अच्छा कर रही है, डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। BDL, HAL अगर आप देखेंगे तो आप देखोगे कि कितनी रैली है उन स्टॉक्स के अंदर। सो कीप एन आई ऑन दीज थिंग्स। ऑटो थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या लंबे समय के लिए ठंडा पड़ेगा नहीं पड़ेगा इज अ डिफरेंट थिंग, बट अभी थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर्स की हम बहुत बार बात कर ही चुके हैं, वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। इनफैक्ट हमें पिछले चार्ट ऑफ द वीक में, पिछले में आई थिंक SBI लाइफ की बात करी थी, वो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। तो आपको अब नज़र रखनी पड़ेगी थोड़ी फाइनेंशियल्स पे। आई थिंक दे शुड डू वेल। बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी है, ज़्यादा नहीं चले उस हिसाब से, बहुत लंबी करेक्शंस रही हैं, उस हिसाब से रिटर्न्स नहीं आई पास्ट में जैसे उससे पहले देते रहे हैं ये। तो मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं वो कैचअप करने की कोशिश करेंगे। तो कई सारी जगहों पे हमें मोमेंटम दिख रहा है, रैली दिख रही है। आपके ऊपर है कि आप कैसे कैपिटल शिफ्ट करते हैं, एक एलोकेशन बना के रखें। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी सर्विस के लिए, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, मेरी वेबसाइट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उन्हें विजिट करके समझ सकते हैं क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू अनाउंस कि 15 अगस्त से हम लोग एक मॉडल पोर्टफोलियो लॉन्च कर रहे हैं मनीक्राफ्ट के अंडर, विच इज़ मनीक्राफ्ट फोकस पोर्टफोलियो। तो कई सारे लोग हमें कहते हैं कि आप रिटेल के लिए भी कुछ चीज़ लॉन्च करें, तो इसकी फ़ी रखी जा रही है 25,000 फॉर द होल ईयर। पूरे साल के लिए 25,000 हम ले रहे हैं और इसमें आपको एक मॉडल पोर्टफोलियो दिया जाएगा। मॉडल पोर्टफोलियो क्या होता है, बेसिकली प्री डिज़ाइन पोर्टफोलियो होता है हमारी तरफ से। हम आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग वगैरह करेंगे, अगर हमें लगता है कि ये चीज़ आपको सूट करती है तो आपको दिया जाएगा ये। एंड उसके बाद जो भी चेंजेस वगैरह होंगे वो आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे, जो भी आप प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन हमें कहेंगे उस पर हम आपको भेज दिया करेंगे चेंजेस। एंड वो चेंजेस फिर आप उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इट्स अ पैसिव सर्विस, बेसिकली आप हमसे एक्टिवली एंगेज नहीं कर रहे, बट आप पूरे हमारे जो भी रिसर्च है उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग यू विद दोज स्टॉक्स, विद दोज कंपनीज और विद दैट पोर्टफोलियो दैट वी वुड अदरवाइज प्रोवाइड व्हेन यू आर एक्टिवली एंगेजिंग विद अस। तो मॉडल पोर्टफोलियो इज बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम द 15th of August। इफ यू वॉन्ट टू एनरोल फॉर दैट यू कैन लेट मी नो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अगेन एज आई सेड डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो विद चार्ट ऑफ द वीक। एंड वहाँ पे हम थोड़ा निफ्टी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी आई थिंक इज वेरी वेरी क्लीन, वेरी 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 क्लियर, उसमें ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं लग रही। सो दैट इज इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। जय हिंद।